Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good today. We are going to continue with our previous chapter that we had discussed in our previous class, that is, Introduction of Multiplication, which is lesson number 10 on page number 106. Now, today we are going to complete the uh, last part of this lesson. दैट इज़ मल्टीप्लाइंग वर्टिकली सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मल्टीप्लाइंग वर्टिकली आई होप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा होगा वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था वो भी आपने कम्प्लीट करा होगा सो so, अभी तक हम जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे वो हम हॉर्जोंटली कर रहे थे लाइक like हम कर रहे थे टू फोर जट सो इसको हम बोलते हैं हॉर्जोंटली ये हम कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन बट हॉरिजॉन्टली नाउ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वर्टिकली अब हम देखेंगे कि वर्टिकली हम कैसे करते हैं नाउ अभी तक हम टू फोर ज़ा एट अगर मैं इसी को वर्टिकली अब करूँगी दैट इज़ पहले मैं लिखूँगी टेंस एंड वंस देन टू उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन देन फोर नीचे लाइन्स दो सो टू फोर ज़ा एट So, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग वर्टिकली सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लिकेशन करा है ये मैंने वर्टिकली करा है और यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लिकेशन करा है ये मैंने हॉरिजॉन्टली करा है नाउ अभी हम बुक की एग्जाम्पल uh, देखेंगे फर्स्ट वन इज सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू सो दैट इज सिक्स फाइव फाइव थर्टी कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज ऑल्सो हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देट इज़ टेन वन दैन सिक्स मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड देन फाइव सिक्स फाइव ज थर्टी यानी थ्री जो है ये टें प्लेस पर आएगा एंड ज़ीरो वन के नीचे सो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली मल्टीप्लाइंग वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन कैसे हम वर्टिकली करते हैं ना नेक्स्ट इज सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज टें वस उसके बाद हम लिखेंगे पहले सेवन देन मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा उसके बाद थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे दैट इज सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन सो वन आएगा वंस के नीचे एंड टू जो है ये टेंस के नीचे आएगा सो ये जो है इसको बोलते हैं वर्टिकली मल्टीप्लाइंग वर्टिकली नाउ एक्टिविटी नंबर सिक्स मल्टीप्लाई यूजिंग टेबल्स फर्स्ट वन इज सेवन टू जेवन टूज आर फोर्टीन सो यहाँ पे हम फोर्टीन लिखेंगे फोर जो है वन के नीचे आएगा एंड वन जो है टेंस के नीचे आएगा उसके बाद है सेकेंड वन है एट फाइव आ एट फाइव आर फोर्टी सो इसके लिए आपको टेबल जरूरी है टेबल्स ही है ये लर्न होने चाहिए नाव नेक्स्ट इज़ नाइन थ्रीजा दैट इज़ नाइन थ्रीजा ट्वेंटी सेवन सेवन जो है वो वन्स प्लेस पे आएगा एंड टू जो है वो टेंथ प्लेस पर आएगा सो फोर्थ वन इज़ फ़ाइफ फोज़ा फाइफ फोजा ट्वेंटी जीरो वनस के नीचे एंड टू टेंस के नीचे नाव सिक्स थ्रीजा एटीन एट वनस के नीचे एंड वन टें के नीचे नाव फो फोज़ा दैट इज़ फोफोजा सिक्सटीन वंस प्लेस एंड वन टेंस के नीचे नव ऑलरेली यानी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे तीन है ये हम अब हमने ऑलरेडी किए जूम क्लास में ऑलरेडी व्हाट आर इवन नंबर्स इवेंट so, नंबर्स हमें क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है वॉट आर इवेंट नंबर्स एंड इंटीज दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई ट्रू इज एन इवेंट नंबर जो कि आपको डिविजन अभी नहीं पड़ा है आप लोगों ने सो so, अभी आपको याद रखना है जो जीरो टू फोर सिक्स एंड एट जो है ये जो नंबर्स है ये है दीज आर इवेंट नंबर्स इनको हम बोलते हैं इवेंट नंबर्स जो डिवाइड होंगे बाई टू सेकेंड वन इज़ वन यू मल्टीप्लाई नंबर बाई टेन वट डज द आंसर ऑलवेज एंड विथ सो मैंने ये भी आपको पढ़ाया है जब भी हम माल्टीप्लाई करेंगे अ नंबर बाई टेन जो हमारा आंसर आता है लाइक like, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे टेन वन झेन नेक्स्ट लिखेंगे टेन टू ज़ा ट्वेंटी टेन थ्री ज़ा थर्टी यानी यहाँ पे आप देखो जो आंसर एंड हो रहा है यानी जो आंसर के वंस प्लेस पे, वो सिर्फ ज़ीरो से एंड होगा तो so, कोई भी नंबर जब आप टेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे जो आंसर होगा वो जो जब एंड होगा यानी उसके वंस प्लेस पे ज़ीरो आएगा लाइक टेन वन ज़ा टेन जीरो आया ट्वेंटी टेन ज़ीरो आया थर्टी ज़ीरो आया टेन फोर ज़ा फोर्टी टेन नाइन ज़ा नाइन्टी टेन टेन ज़ा हंड्रेड सो जो भी आएगा आंसर उसके जो वंस प्लेस पे होगा यानी जो उसका आंसर जिससे एंड होगा वो ज़ीरो पे एंड होगा ज़ीरो से एंड होगा Now third one is when you multiply a number with two, what does the answer end with? We know जब भी हम multiply करेंगे with two, so हमारा जो answer होगा वो end होगा even number से, यानी यहाँ तो वो end हो जाएगा zero से, या two से, या four से, या six से, या eight से, से. से, we know that कि हमारा जो answer है वो end होगा even number से Now, review exercise. First one is fill in the blanks. Uh, A part is 9 plus 9 plus 9 plus 9. That means 9 hai. How many times? That is 4 times 9. That is equal to 9 4s are 36. So, we will write here 4. Then 9 4s are 36. Now, next one is 1 plus 1 plus 1 plus 1. That is 5 times. That is 5 times 1. That is equal to one वन फाइव five, so write here one and here five. Second one is complete the pattern by skip counting. सो so ये जो है टू थ्री एंड फोर ये हमने करा हुआ भी है एंड ये आप लोगों का होमवर्क है यू विल डो इट योर सेल्फ आप ये खुद करोगे एंड देन मुझे आप ये सेंड करोगे नाउ आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू Thank you, have a wonderful day.